आप सभी का स्वागत है आप ही के YouTube चैनल स्टॉक बाजार में। तो ये वीडियो होने वाला है विप्रो शेयर के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे बायबैक की डेट के बारे में एंड कितने शेयर के लिए आपको अप्लाई करना चाहिए उसके बारे में। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं आज का विप्रो का शेयर परफॉर्मेंस क्या रहा। तो आज शेयर यहाँ पे पिछले क्लोज शेयर तकरीबन वहीं पे ओपन हुआ था एंड वहीं से यहाँ पे थोड़ी सी गिरावट आई, उसके बाद लगातार साइडवेज यहाँ पे हमें देखने को मिला था। तो आज शेयर में हमें क्लोजिंग दिखाई है 383.35 रुपये के ऊपर एंड लो बनाया था 382 रुपये का। तो शेयर में आज हमें तकरीबन 1 रुपये की यहाँ पे तेज़ी देखने को मिली है, जो कि इतनी ज़्यादा हम नहीं कह सकते। तो यहाँ पे साथ ही बता दें कि विप्रो में अभी बायबैक चल रहा है, तो उस बायबैक की डेट अभी अनाउंस हो चुकी है कि हमें किस तारीख को इसमें अप्लाई करना रहेगा। तो यहाँ पे देख सकते हो 20 तारीख को ही, यानी कि आज ही ये न्यूज़ आई है एंड कंपनी ने बताया है कि जून 22 से लेके जून 29 तक यहाँ पे हम विप्रो बायबैक के लिए अपने शेयर अप्लाई कर पाएंगे। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके पास विप्रो के कितने शेयर हैं एंड कितने प्राइस में आपने लिए हुए हैं। साथ ही आपको बता दें कि विप्रो का जो बायबैक अनाउंस हुआ है, अगर आपको नहीं पता तो 445 रुपये का इसका प्राइस रखा गया है, यानी कंपनी 485 रुपये में बाई करने वाली है। अभी प्राइस चल रहा है 382 रुपये के आसपास। तो अगर आपने नीचे के भाव में ख़रीदा है तो ये आपके लिए बेस्ट मौका होगा अच्छी प्राइस विप्रो में लेने के लिए। एंड अगर आप ऊपर के लेवल पे फंसे हुए हैं तो फिर आपको यहाँ पे विप्रो में अप्लाई नहीं करना चाहिए बायबैक के लिए। साथ ही यहाँ पे अगर आप एलिजिबल हो या नहीं, उसके लिए आपको मेल तो आ ही गया होगा, लेकिन उसके बाद भी हम बता दें कि यहाँ पे रिकॉर्ड डेट जो थी वो यहाँ पे रखी गई थी 16 जून, यानी कि अगर आपने जून 16 से पहले विप्रो के शेयर खरीदे होंगे तो ही आप बायबैक के लिए एलिजिबल हो जाएंगे एंड तो ही आपको यहाँ पे मेल आने वाला है कि आप यहाँ पे एलिजिबल हो या नहीं। साथ ही अगर आपके मेल में आता है कि आपको 0 शेयर अप्लाई कर सकते हैं, 1 शेयर अप्लाई कर सकते हैं, तो वो आपको यहाँ पे बिल्कुल ध्यान में नहीं लेना है। हम आपको बता दें कि आपके पास जितने भी शेयर है वो यहाँ पे आपको बिल्कुल अप्लाई करने हैं। उनमें से कंपनी जितने शेयर खरीदना चाहे वो खरीद सकती है, हमें पूरे के पूरे शेयर यहाँ पे बायबैक में देने चाहिए अगर नीचे के भाव से खरीदे हैं तो। यहाँ पे हमें मेल में जो लिखा है वो बिल्कुल ध्यान में नहीं लेना है। तो अब अगर यहाँ पे विप्रो का लेवल भी हमने आपको 2 दिन पहले संडे के वीडियो में बताया था, तो वो लेवल आपको बताया था 376 रुपये का। तो उसके बाद मंडे को यहाँ पे आप देख सकते हो शेयर ने लो बनाया था उससे बिल्कुल ऊपर 377 का एंड उसके बाद यहाँ पे शेयर रिकवरी दिखाई थी, प्राइस रिजेक्शन दिखाया था एंड आज भी शेयर वहीं से ऊपर निकला हुआ है। तो ये लेवल आप नोट कर लीजिएगा, जब तक इस लेवल के ऊपर है हमें इसमें नीचे की साइड शेयर जाता हुआ नहीं दिखने वाला। तो ये लेवल अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा था तो ज़रूर यहाँ पे नोट कर सकते हैं। तो विप्रो के बायबैक के लिए आपको आई होप हेल्प हो गई होगी। आप 22 तारीख के दिन अप्लाई कर सकते हैं। कैसे अप्लाई करना है वो नहीं पता तो हम आपको उसके लिए वीडियो 22 तारीख के बाद बना के दे देंगे। साथ ही यहाँ पे आज का जो वीडियो है वो हमने इंट्राडे के लिए अपलोड कर दिया है, जो कि अगर आपने नहीं देखा तो चैनल पे जाके ज़रूर देख सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आगे और भी ऐसी स्टॉक मार्केट से जुड़ी हुई न्यूज़, लेवल एंड इंट्राडे के स्टॉक्स के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।